रोजाना राशिफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार मित्रों, मित्रों कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज हम बात करने वाले हैं शनिवार 10 जुलाई आपका दैनिक राशिफल। यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है, आपके ऊपर ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगी, चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। चलिए दैनिक राशिफल की शुरुआत करती हैं आज के पंचांग से। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बन रही है, सुबह के 6:46 तक रहने वाला है और इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगी पुनर्वसु नक्षत्र, यह रात्रि के 1:02 तक रहने वाला है और इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। योग रहेगी व्याघात योग, यह शाम के 4:49 तक रहने वाला है और इसके उपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगी। आज का सूर्य उदय का समय सुबह के 5:52 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। सूर्य राशि रहेगा मिथुन राशि पर और चंद्रमा आज मिथुन राशि इसके उपरांत कर्क राशि पर गोचर करने वाली है, जो कि ठीक शाम के 6:38 तक रहने वाला है। अर्थात आज के दिन का शुभ समय दोपहर 12:05 से लेकर ठीक 12:58 तक रहने वाला है। यह समय में शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल कर सकती है। और आज का राहु काल का समय रहेगा ठीक सुबह के 9:12 से लेकर ठीक 10:52 तक रहने वाला है। राहु काल के समय किसी भी तरह के नए और शुभ मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक, हम आपको बताना चाहेंगे आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त नहीं मिल पाएगा, साथ ही अनजान लोगों की वजह से नुकसान होने की आशंका है और कामकाजी लोगों का तबादला हो सकता है, साथ ही नई योजना शुरू न करें अन्यथा नुकसान होगा और आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी किसी तरह के नुकसान उठाना पड़ सकता है और पूजा पाठ में आपको मानसिक शांति मिलेगी, साथ ही जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद उभर सकता है और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे बहुत व्यस्त रहने के बावजूद आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए समय निकालेंगे और सुखद समय रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे आपकी कार्य कुशलता अपेक्षा से अधिक लाभ दिलाएगी और पिछले कुछ समय से चल रही अराजक दिनचर्या ठप हो जाएगी। निगेटिव, आज के दिन किसी भी प्रकार की यात्रा करने से आपको बचना होगा, कुछ विरोधी आपके लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा कर सकती है, इसलिए किसी पर भी ज़्यादा भरोसा ना करें और सतर्क रहें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हो सकती है। अगर व्यापारियों के लिए बात करें तो आज के दिन घर में रहकर भी व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से अंजाम दिया जाएगा, सब कुछ फोन और संपर्कों के माध्यम से व्यवस्थित किया जाएगा। शेयर आदि में निवेश करने का यह सब समय है, लेकिन पहले आपको इसके बारे में उचित जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो परिवार के सदस्यों के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अगर आप बेहतर संबंधों से दूरी बनाकर रखते हैं तो यह उचित रहेगा। अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या आपको परेशान करेगी, आपको नमकीन और बासी खाना खाने से बचना चाहिए।
दोस्तों अगर इन सभी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव अवश्य लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।